नमस्ते, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। आज चर्चा पटना के क्रांतिकारियों को लेकर के, वो क्रांतिकारी जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी से जुड़े हुए थे और अंग्रेजों से बदला लेने के लिए हमेशा एक के बाद एक एक्शन कर रहे थे। क्रांतिकारियों ने एक बार योजना बनाई कि यूरोपीय चर्च को, इंग्लिश चर्च को उड़ा दिया जाए, लेकिन एक्शन से ठीक पहले की रात यह फैसला किया कि नहीं, प्रार्थना करते समय किसी को मारना ठीक बात नहीं है। इस तरह से यह योजना टाल दिया गया। बाद में फिर योजना बनी कि बांकीपुर क्लब, जो उस समय कहलाता था यूरोपियन क्लब, उसे उड़ा दिया जाए, और 12 बमों के साथ क्रांतिकारी उसे उड़ाने भी पहुंचे, लेकिन अपने ही एक साथी रामलीत के बदले हुए व्यवहार के कारण उन्हें खाली हाथ वापस लौटना पड़ा, एक्शन नहीं कर सके। बाद में पता चला कि राम ललित दरअसल पुलिस का जासूस बन गया है और क्रांतिकारी गतिविधियों को पहले ही पुलिस के पास पहुंचा देता है। यहां तक कि अगर वो वहां एक्शन करते, यूरोपियन क्लब को उड़ाते, तो वहां पुलिस पहले से ही तैनात थी और बहुत संभव था कि सारे क्रांतिकारी मारे जाते या पकड़ लिए जाते। राम ललित अधिकतर क्रांतिकारी घटनाओं में शामिल रहता था, बैठक में शामिल रहता था, और जो भी यहां क्रांतिकारी दल से जुड़े हुए लोग थे सबके बारे में जानकारी रखता था। ऐसी स्थिति में यह तय किया गया कि राम ललित को मार देना बहुत जरूरी है, और अंत में यह साफ साफ फैसला कर लिया गया कि राम ललित को मार दिया जाए। राम ललित पटना के दरियापुर में गवर्नमेंट हिंदू हॉस्टल नंबर 2 में रहता था। उसे बहाने से बक्शी घाट बुलवाया गया। वहां सूरजनाथ चौबे, हजारीलाल और राम बाबू पहले से मौजूद थे। तय किया गया कि राम ललित को यहीं पर मार करके गंगा पार ले, राम ललित को बक्शी घाट से गंगा पार ले जाएंगे और वहां गोली मार करके और लाश को गंगा में फेंक देंगे। संयोग से उस दिन गंगा पार करने के लिए नाव का इंतजाम नहीं हो सका। साथियों ने राम ललित को कहीं से भी संदेह नहीं होने दिया कि उसकी हत्या की योजना बन चुकी है। अगले दिन भी राम ललित को इसी योजना के अनुसार कि गंगा, उसको मार करके गंगा में फेंक देना है, फिर से उसी तरह से कोशिश की गई, लेकिन फिर कोई ना कोई अड़चन आ गई और इस तरह से राम ललित वहां दूसरे दिन भी बच गया। लेकिन यह तय हो चुका था कि जितना जल्दी हो सके राम ललित की हत्या कर देना उचित है, बहुत जरूरी है, नहीं तो आने वाले दिनों में संगठन के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अगली बार क्रांतिकारी मिले पटना सिटी के मंगल तालाब के पास। ये क्रांतिकारी थे सूरजनाथ चौबे, कन्हाई मिश्र और हजारीलाल। नए सिरे से योजना बनी, तय हुआ कि राम ललित को बम परीक्षण के बहाने कुम्हरार ले जाकर मार दिया जाए। उस समय पटना के क्रांतिकारी बम परीक्षण करने का काम करते थे पहाड़ी पर। पहाड़ी पटना का एक हिस्सा है, बाईपास रोड से अगर आप गुजरेंगे तो वो जगह मिलते। उस समय बहुत दूर दूर तक वहां सन्नाटा होता था और वहीं पर क्रांतिकारी बम परीक्षण किया करते थे। 1975 में सूरजनाथ चौबे ने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने इसके बारे में पूरी जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था, सूरजनाथ चौबे ने, कि राम ललित की हत्या की जिम्मेदारी उन्हें दी गई। वो कंकड़बाग ले गए, बम परीक्षण के बहाने ही ले गए राम ललित को, और कंकड़बाग में राम ललित के सिर में 6 गोलियां मार दी और इस तरह से राम ललित की हत्या कर दी गई। राम ललित की हत्या के बाद उन्हें पटना से निकलना था। क्रांतिकारियों को पटना सिटी के राय महेंद्र प्रसाद ने बनारस के 3 टिकट कटा कर दिए। सूरजनाथ, हजारीलाल और राम बाबू बनारस निकल गए। राम बाबू बनारस में ही रह गए, सूरजनाथ चौबे और हजारीलाल वहां से लखनऊ चले गए, जहां हजारीलाल के पिता काम करते थे लखनऊ में। वहां भी ये दोनों, हजारीलाल और सूरजनाथ चौबे, गिरफ्तार होते होते बाल बाल बचे। हुआ ये कि लखनऊ में दोनों के पीछे खुफिया पुलिस लग गई। 22 जून 1931 की रात की बात है, ये दोनों साइकिल से जा रहे थे। एक तांगे से 2 लोग निकले और दोनों क्रांतिकारियों को एक एक आदमी ने दबोच लिया। चौबे ने अपने आक्रमणकारी को पीछे धकेल दिया, वहीं हजारीलाल ने टॉर्च से अपने आक्रमणकारी पर प्रहार किया। हजारीलाल बाद में सरकारी गवाह बन गया था और उसने सरकारी गवाह बनने के बाद अपने बयान में कहा कि जैसे उस आदमी से छूटा तो
हजारीलाल ने 3 गोलियां चलाई और एक बम भी फोड़ा। चौबे ने भी एक बम से धमाका किया, बम से साइकिल बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। उधर कंकड़बाग हत्याकांड में पुलिस ने पटना का ये मामला आई, पटना में क्या हो रहा था ये देख लीजिए। 18 मई 1931 को रामललित के रूममेट नरेंद्र मोहन चटर्जी और 4 जून को पटना सिटी के रतन घोष को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रतन घोष का रामललित के कमरे में आना जाना रहता था। नरेंद्र ने पुलिस को बता दिया कि ललित की हत्या सूरजनाथ चौबे ने की है। पटना सिटी के राधे श्याम सोनार ने चौबे और हजारीलाल को कूट भाषा में कोडवर्ड में एक संदेश भेजा। वो संदेश में क्या था, मालिक के कुत्ते ने नरेन बाबू को काटा है, इंजेक्शन पड़ रहा है, जो कुछ हिसाब की गलती है प्रकाश लाल पर गिराया जा रहा है। इस कोडवर्ड का मतलब था कि पुलिस ने नरेंद्र को पकड़ लिया है, उन्हें कड़ी यातना दी जा रही है, टॉर्चर किया जा रहा है, सूरजनाथ चौबे को ललित की हत्या का जिम्मेदार माना जा रहा है। दिक्कत यह हुई कि ये जो कोडवर्ड में पत्र लिखा गया था यह भी पुलिस के हाथ लग गया। दूसरी ओर लखनऊ में कांड हो जाने के बाद, वहां बम विस्फोट गोलीबारी वगैरह होने के बाद, फिर दोनों क्रांतिकारी यानी हजारीलाल और सूरजनाथ चौबे पटना लौट आए और पटना आकर के वे सुरक्षित ठिकाने की तलाश करने लगे। पटना में दोनों गोपी बाबू के पास गए, वहां पता चला कि चौबे की गिरफ्तारी के लिए इनाम घोषित किया गया है और इंस्पेक्टर गांगुली इन दोनों को खास करके सूरजनाथ चौबे की तलाश कर रहा है। क्रांतिकारियों ने विशेष शाखा के इंस्पेक्टर एके गांगुली और सीआईडी के डीआईजी के विशेष सहायक ईएओ पार्किन को बम से उड़ा देने का निश्चय किया। योजना को अंजाम देने के लिए एक कार की व्यवस्था की गई, कन्हाई मिश्र को गाड़ी चलाने की जिम्मेदारी दी गई। उधर पुलिस दोनों क्रांतिकारियों के बारे में भेदिया से पल-पल जानकारी ले रही थी। हजारीलाल के पिता लखनऊ से पटना आ गए थे। 29 जून 1931 को बिहार और उड़ीसा के मुख्य सचिव को सीआईडी ने जो दस्तावेज भेजे उससे पता चलता है कि दरअसल वो भेदिया जिससे पुलिस को पल पल सारी जानकारी मिल रही थी, वो भेदिया कोई और नहीं हजारीलाल के पिता थे। इसके बाद 28 जून को हजारीलाल और सूरजनाथ चौबे को भिखना पहाड़ी के पास रमना रोड मोड़ पर गिरफ्तार कर लिया गया। इस कांड को भिखना पहाड़ी कांड के नाम से जाना जाता है। पहले तो सूरजनाथ चौबे को भिखना पहाड़ी बम कांड में 10 साल कठिन कारावास की सजा हो गई, जिला एवं सत्र न्यायालय से 7 साल की सजा हुई थी, हाई कोर्ट ने इस सजा को बढ़ाकर के 10 साल कठिन कारावास कर दिया। हजारीलाल को इसी मामले में 14 साल कठिन कारावास की सजा मिली। बाद में हजारीलाल सरकारी गवाह बन गया तो उसकी सजा 10 साल कम कर दी गई और फिर हजारीलाल के बयान पर पुलिस ने कई क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। ये पूरा भिखना पहाड़ी कांड जो हुआ था उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया गया है, क्योंकि उसको इसी में शामिल करने पर बहुत लंबा वीडियो हो जाता। आप इसी YouTube चैनल पर जाकर के उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और अब चर्चा फिर पटना षड्यंत्र यानी राम ललित की हत्या का जो मामला था, पटना षड्यंत्र के नाम से उसे जाना जाता है। उसमें पटना षड्यंत्र के तहत 11 लोगों पर मुकदमा चला। इन 11 लोगों में कौन कौन थे, भोजपुर के थाना शाहपुर के सूरजनाथ चौबे, थाना चौक पटना के कन्हाईलाल मिश्र, थाना चौक पटना के श्याम कृष्ण अग्रवाल, थाना चौक पटना के राय महेंद्र प्रसाद, सारण के थाना सिसवन के राम सिंह उर्फ श्याम देव नारायण, थाना पीर बहोर पटना के गंगा प्रसाद माली, थाना कोतवाली पटना के चंद्रेश्वर पांडे, थाना कोतवाली पटना के टुन्नू उर्फ लक्ष्मी गोप, थाना चौक पटना के महावीर मिश्र, थाना खाजे कला पटना के हजारीलाल और थाना खाजे कला पटना के ही राधे कृष्ण लोहार। इनमें से हजारीलाल और राधा कृष्ण सरकारी गवाह बन गए। 22 दिसंबर 1931 को बांकीपुर जेल में ट्रायल शुरू हुआ। सत्र न्यायालय ने सूरजनाथ चौबे को फांसी, कन्हाई मिश्र, श्याम कृष्ण अग्रवाल, राय महेंद्र प्रसाद, श्याम देव नारायण को आजीवन काला पानी, गंगा प्रसाद माली और महावीर मिश्र को 7-7 साल कठिन कारावास की सजा सुनाई। चंद्रेश्वर पांडे और टुन्नू को बरी कर दिए गए। अपील करने पर हाई कोर्ट ने 19 जुलाई 1932 को अपने फैसले में
कईयों की सजा बदल दी। सूरजनाथ चौबे की फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया। राय महेंद्र प्रसाद की आजीवन कालापानी की सजा को 10 साल के कठिन कारावास में बदल दिया। गंगा प्रसाद माली पटना हाईकोर्ट से बरी हो गए। सूरजनाथ चौबे को 1932 में अंडमान भेज दिया गया। वहां 1936 में उन्होंने भूख हड़ताल की, जिसके बाद उन्हें हजारीबाग सेंट्रल जेल भेज दिया गया। 1937 में कांग्रेसी मंत्रिमंडल बनने पर वे रिहा हुए। भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त चौबे ने जयप्रकाश नारायण के आजाद दस्ता के विंग कमांडर के रूप में भी काम किया। इससे उन पर सरकार ने 5,000 रुपये का इनाम घोषित किया था। वे 1944 में गिरफ्तार हुए और जनवरी 1947 में रिहा फिर जाकर गए हुए। सूरजनाथ चौबे 1947 में अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक के अध्यक्ष बने। कई वर्षों तक भोजपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। 1972 में रामानंद तिवारी जैसे बड़े नेता को विधानसभा चुनाव में पराजित करके विधायक बने। 1974 में अब्दुल गफूर सरकार में श्रम एवं नियोजन मंत्री बने। 19 जनवरी 1977 को एक कार दुर्घटना में इस महान क्रांतिकारी का निधन हो गया, सूरजनाथ चौबे का। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए विदा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।